हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ऑन कैश इन्वेस्टिंग चैलेंज, जो हम अपने ट्रेडिंग व्यू एंड रिसर्च ग्रुप पर डिस्कस करके स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अराउंड 50 पीपल और ट्रेडर्स हैव ऑलरेडी एग्रीड टू जॉइन एंड दिस इज जस्ट फॉर फन एंड लर्निंग। देयर इज नो रियल मनी और एनीथिंग ऑफ यू नो पेड सर्विस टिप एक्सेट्रा इन्वॉल्व। तो इसके फटाफट से मैं आपको रूल्स जो है क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो ग्रुप में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक यू नो ग्राउंड रूल्स क्या है सबको क्लैरिफाई और क्लियर रहे, इसलिए कोई बाद में भी ज्वाइन करता है विद इन द वीक बिटवीन द वीक उसको भी क्लियर रहे। सो दिस इज अ कॉम्पिटिशन जस्ट फॉर फन एंड लर्निंग पर्पज, ऑर्गेनाइज फॉर फ्री। जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, इसमें कुछ भी बाइंग सेलिंग रियल वाला इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी पेड टिप सर्विस एक्सेट्रा इन्वॉल्व नहीं है। कॉम्पिटिशन जो है आपके डे टू डे जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी चीज को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम वीकेंड पे ही इसको रिबैलेंस करेंगे या क्रिएट करेंगे, और आप लोग को एक्सपेक्टेड है कि आप इसको कॉपी करके कुछ रियल में नहीं डालने वाले हो। दैट इज द लेवल ऑफ मेच्योरिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। और अगर कोई करता भी है बिना बताए जान बूझ के, तो यू नो ही इज देन सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर all MTM losses or you know even the real losses. Now coming to the rules, हम लोग सब initially 1 crore capital से start करने वाले हैं, और 1 crore capital से हम सिर्फ cash stocks में काम करेंगे। कोई भी FNO involvement नहीं होगा इसमें, put buy करके hedge wedge वो सब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि multiple expiries हैं, multiple strikes हैं, और इसमें data लाना FNO का along with cash वो will be too cumbersome to track for each and every person. सो कैश इन्वेस्टिंग इज सिंपल एंड सेव इन्वेस्ट बाय एंड होल्ड वाला फंडा है। इसमें मैक्सिमम आप 25 स्टॉक्स तक ले सकते हैं। अगर आपको 15 ही लेने हैं तो 15 लीजिए, 20 ही लेने हैं तो 20 लीजिए, पर 25 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। शुरू में अगर आपने 15 ले लिए, कुछ दिनों बाद अगर आपको लग रहा है अगले वीक पे कि यार ये 2 और ऐड कर लेता हूँ मैं, इसमें ब्रेकआउट लग रहा है मेरे को, वो 2 और आप ऐड कर सकते हैं इसमें, पर 25 से ऊपर नहीं जाना। 25 एक अपर कैप सबके लिए मेंटेन है, इक्वल रूल है सबके लिए। मैक्सिमम एलोकेशन आप 70% मिड कैप लार्ज कैप में कर सकते हैं, और स्मॉल कैप में आप 30% कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी फंड मैनेजर एक फंड होगा, उसको थोड़ा सा रिस्की एक्सपोजर रखना है, बाकी थोड़ा सा उसको सेफ एक्सपोजर, मतलब इक्विटी तो वैसे ही रिस्की है, बट लार्ज कैप का थोड़ा सा बीटा कम होगा, स्मॉल कैप का बीटा ज्यादा होता है। बीटा मतलब कि मार्केट एक्स मूव किया है तो वो एक्स प्लस वाई मूव करता है स्मॉल कैप, राइट? मार्केट से ज्यादा मूव करते हैं, मार्केट से ज्यादा गिरते भी, मार्केट से ज्यादा बढ़ते भी है स्मॉल कैप, तो वो बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है उनमें। तो इसीलिए स्मॉल कैप की क्वांटिटीज कम रहेगी, और एलोकेशन सिर्फ लेट्स से 30%, तो 30% मतलब 30 लाख रहेगा अपर लिमिट। आपको अगर 15 ही करना है तो आप 15 कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग वीकली करेंगे ऑन वीकेंड्स। बाई वीकली करना है आपको, बाई वीकली कर लीजिए। अगर आपको लगता है मेरा पोर्टफोलियो सही चल रहा है, इस वीकेंड पे मुझे कोई रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप अगले हफ्ते कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, जब आपको सही लगता है तब करिए, पर वीकेंड पे ही करिएगा। फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से ही आप न्यू एंट्री या न्यू एग्जिट लेंगे, क्योंकि वो इजिली ट्रैक हो सकती है, ट्रेस हो सकती है, कोई यू नो गलत नंबर्स नहीं भर रहे हैं अपनी शीट्स में, वो भी सब चेक हो सकते हैं बहुत ही आराम से। तो आप जैसे अगर आपने 1 crore से शुरू किया, आपका 1.2 crore हो गया है, तो अब आपका न्यू कैपिटल जो है वो 1.2 crore है, मतलब आपने जो प्रॉफिट बनाया है उसको भी आप वापस इन्वेस्ट करके दोबारा से मतलब वापस मतलब वो आपका इन्वेस्टेड ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट है, तो अभी आप उस कैपिटल पे कर रहे हैं, बट आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर 70-30 से ज्यादा मतलब अलग नहीं होना चाहिए, 70-30 ही रहना चाहिए। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, आप फंडामेंटल यूज करिए, टेक्निकल यूज करिए, ट्विटर यूज करिए, इंस्टाग्राम यूज करिए, किसी और व्हाट्सएप ग्रुप से टिप लीजिए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, कहीं से भी कुछ भी करिए, जो भी पब्लिक रिसोर्स अवेलेबल है या आपका कुछ प्राइवेट भी कुछ है वो भी आप यूज करिए। तो इसमें आपको ओपन है कि कुछ लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना क्रिएटिव हो सकता है उतना क्रिएटिव हो जाइए इसमें। So if you think this is a good learning opportunity, so definitely इसमें क्या होगा, किसी का पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, किसी का नीचे जाएगा, कोई मिस्टेक करेगा, कोई खुश होगा, इसमें इमोशंस भी आएंगे, हम लोग का आपस में डिस्कशंस भी होगा, तो जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं उनके लिए वो प्रूफ होगा कि यार उन्होंने कुछ ट्राई किया और वो उसमें फेल हुए, तो उसमें लर्निंग क्या है अभी, तो डिस्कस कर सकते हैं, आपस में नॉलेज शेयरिंग होगी। सो प्लीज प्लीज बी ओपन टू यू नो मेक मिस्टेक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मुझे जज करेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो देखो नीचे खड्डे में एकदम गिर गया है, एकदम लास्ट में है। हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ही पोर्टफोलियो लास्ट में हो, तो मुझे भी उसमें भी कोई शर्म नहीं है। दिस इज
जस्ट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, यहाँ पे भी स्पिरिट के साथ में लोग एक सब एज अ ग्रुप में जो है लर्निंग और डिस्कशन है इसमें इन्वॉल्व, एंड इट इज नो ट्रोलिंग, नथिंग is expected, and all are matured people, really very well educated people. Aisa kuch bhi expectations nahi hai. So if you think you can, then one day definitely you will learn and you will exceed. So if you think what I just said, jo bhi maine bola, aapke saath resonate kar raha hai, to please submit your portfolio. इस volatile market में, market अभी all time highs पे, इससे बढ़िया social experiment हो नहीं सकता कि हम all time हाई पे पोर्टफोलियो बना रहे हैं और सब आपस में कंपेयर करके देख रहे हैं कि सब लोग का कैसा चल रहा है और बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, क्यों उसने ऐसा किया, उसने क्या टेक्निक यूज करी, उसने क्या मेथड यूज किया, सब कुछ आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. 13th August तक आपको अपना, सबके पास इक्वल टाइम है स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. 13th August तक सब अपना पोर्टफोलियो सबमिट कर दें वहां पे. अब मैं आपको गूगल शीट पे लाइव दिखा देता हूँ. देखिए ऐसा आपको गूगल शीट में शेयर करने वाला हूँ. सॉरी, अभी इसमें एडिट एक्सेस रहेगा सबको. अपना नेम और ईमेल एड्रेस भर देना, तो आपकी ईमेल पे आपका मैं पोर्टफोलियो लिंक भेज दूंगा. बाकी की ये सारी चीजें हैं, ये ऑटोमेटेड रहेंगी. रैंक, इन्वेस्टेड, और आपने कितना इन्वेस्ट किया है, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, जितना भी, कितना उस पर प्रॉफिट हो रहा है एब्सोल्यूट, 20 लाख, 30 हजार, 2 लाख, 80 हजार, जितना भी. करंट वैल्यू क्या है, मतलब 2 लाख, सॉरी आपने 20 लाख इन्वेस्ट किए, उसमें 25 हो गए, वो करंट वैल्यू होगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने 95 लाख इन्वेस्ट किए थे और अभी आपका करंट वैल्यू 98 हो गया 3 लाख प्रॉफिट में, तो 3 / 95 वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा. बट क्योंकि आपको इनिशियल कैपिटल 1 करोड़ मिला है, तो 3 / 1 CR वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल होगा. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों ट्रैक करना है, दोनों आपको देखना भी है और बाकियों का भी देख रहे हैं. अल्फा मतलब आपने मार्केट निफ्टी या बेंचमार्क जो हमारा इंडेक्स है उसको कितना बीट किया, वो अल्फा है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा सबका. यहाँ पे सबका पोर्टफोलियो लिंक होगा. फॉर एग्जांपल ये बंदा है कोई मिस्टर XXYY कुमार, इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, आप इस पे क्लिक करके उनके पोर्टफोलियो पे जाके देख सकते हैं. बाकी ये सारे लोग आपस में हम सबसे शेयर करके रखेंगे. वी ओनली एक्सेस, केवल इन्हीं के पास जो है अपने पोर्टफोलियो का एड एक्सेस होगा. ये शीट में अभी सबको एंट्री डालने के लिए एडेड एक्सेस मिल रहा है, एक बार सबकी एंट्री इसमें आ जाएंगी, उसके बाद इसको भी व्यू ओनली एक्सेस कर दिया जाएगा ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे. ठीक है, चलिए तो आपको एक मैं स्मॉल पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कैसा सा दिखता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स रहेंगे और यहाँ पे एवरेज प्राइसेस रहेंगी, लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस, सॉरी आपने कितने प्राइस पे बाय किया, ये आपकी एलटी पे लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस है. क्वांटिटी आपने कितनी कितनी बाई की, किसी कितनी कितनी, आप देखिए लगभग लगभग यहाँ पे इक्वल वेट, इक्वल इक्वी वेट पोर्टफोलियो है ये. ठीक है, सबका पोर्टफोलियो में स्टॉक वाइज पीएनएल क्या चल रहा है, रिटर्न क्या चल रहा है, जैसे आपको जीरोधा में दिखता है वही सेम होल्डिंग्स में दिखता है आपको. और ये यहाँ पे स्मॉल कैप्स कुछ है, उसके अलावा आपको दिख रहा है कि भाई हमने यहाँ पे इतने, ये बहुत टाइम पहले किसी का मैंने बना के दिया था, तो ये वो है इसमें इतना हमने इन्वेस्ट किया, अभी इतना वैल्यू हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना रिटर्न हो गया इस पूरे दौरान, 337 डेज हो गए. ये इसमें निफ्टी में आया 11% रिटर्न, इसमें 28% रिटर्न, तो अल्फा हो गया 17% रिटर्न, मतलब निफ्टी से ज्यादा रिटर्न इसमें पोर्टफोलियो में बनाया उस बंदे को. ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक इसने इस दिन बुक किया, उसमें लॉस हो गया एलगी इक्विपमेंट में, एलगी इक्विपमेंट को उसने रिप्लेस या रिबैलेंस किया इस स्टॉक से, वेलफेयर कॉर्प से, उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट इसमें इतनी करी, तो क्योंकि उसने 60,000 इसमें डाल दिए थे, उसमें उसको 10,000 का लॉस हो गया 9,000 का, तो उसने यहाँ पे 50,000 का रीइन्वेस्टमेंट कर दिया. मतलब यहाँ से निकाल के माइनस इन्वेस्टमेंट में से लॉस निकाल के जितना अमाउंट बचा उसने दूसरे स्टॉक में डाल दिया. ठीक है, वो दूसरे स्टॉक में डालने के बाद वो ऊपर यहाँ पे आपको ऐसे अपडेट कर देना कि मैंने यहाँ ये वाला स्टॉक डाल दिया. तो अल्टीमेटली यही टेबल्स के फॉर्मूलाज आपके जो है समरी वाले इसमें जाएंगे कि इतना आपका करंट वैल्यू चल रहा है, और ये पूरी समरी यहाँ पूरे रैंकिंग के इस डैशबोर्ड में आ जाएगी सबके लिए कंपेरिजन. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. सो एक हफ्ते का टाइम है, आज है 5th में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13th जो है संडे का सबके पास टाइम है, इक्वल टाइम है. आप कुछ भी यूज करिए, चार्टिंग, स्क्रीनर डॉटिंग, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स, ट्विटर रिसर्च, कुछ भी आपको जो भी लगता है आप यूज करिए. और अगर आपको लगता है मार्केट बियरिश है तो अपना एक्सपोजर कम रखिए,
कैश पे बैठ जाए, जैसे हम आमतौर पर लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको लगता है कि ओके ये की लेवल ब्रेक हो गया है, या फिर फॉर एग्जाम्पल 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया तो आई एम आउट ऑफ दिस स्टॉक। जो भी है आपको ट्रिक लगानी है, टेक्निक लगानी है, दिमाग लगाना है, सब लगाइए, पर 13 तक अपना डाल दीजिए जो भी एंट्रीज में, ठीक है? फिर हम कंपेयर करेंगे, लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे और मजा आएगा इसमें। दैट्स द फन, इज दी फन एंड लर्निंग, लर्निंग के साथ में फन होगा तो मजा आएगा इसमें, ठीक है? तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर होगा, ऐसे टाइम वेस्ट तो किसी चीज में मैं भी नहीं करता हूँ, तो इसमें अच्छा मजा आएगा। इसमें कोई भी वो वाला हिडन एस्पेक्ट्स नहीं है कि इसके थ्रू कुछ और का होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ सोचने का भी नहीं है। तो तुरंत अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबमिट कर दीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं, आप ज्वाइन होना चाहते हो, आप मुझे मैसेज कर देना। ग्रुप फ्री है, लर्निंग पर्पस है, डिस्कशन है, मार्केट से रिलेटेड और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सिर्फ जो सीरियस लोग हैं मार्केट से रिलेटेड वही आते हैं यहाँ पे, और हर एज ग्रुप के लोग हैं, सारे वेल एडुकेटेड डाइवर्स कल्चर्स के लोग हैं यहाँ पे। सो फील फ्री टू ज्वाइन इफ यू वांट टू, ठीक है? मेरा मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका लिंक मैं अपने ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ आज। सब अपना ईमेल और नेम भर दीजिएगा, एक बार सबका सेट हो जाएगा ये, फिर मैं ईमेल वगैरह पर्सनल डिटेल्स हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है? चलिए, बाय, थैंक यू।